नमस्ते, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थानी गरबा। गरबा बनाने के लिए यहाँ मैंने ये चावल लिए हैं। चावल मैंने रात को बच गए थे वो चावल लिए हैं। आप चाहे तो फ्रेश बनाकर भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ दही लिया है। दही मैं आवश्यकता अनुसार लूँगी जब तक कि चावल डूब ना जाए। और मैंने 6-7 इलायची ली थी, उसके दाने निकाल दिए हैं, उनको हल्का सा कूट लिया है। और मैंने यहाँ आधा प्याला शक्कर लिए। शक्कर आप आवश्यकता अनुसार भी ले सकते हैं, जितना मीठा खाना आप पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ ये चावल लिए हैं और चावल के अंदर मैं अब ये दही धीरे धीरे डालूंगी। दही उतना ही लेना है जितना चावल डूब जाए। राजस्थान में गरबा ठंडे के दिन खाया जाता है और रात के समय चावल बना दिए जाते हैं और सुबह उसका मीठा गरबा बनाते हैं। तो आज मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ दही ले लिया है और अब मैं इसको हिलाऊंगी। दही ले लिया है और अब इस चावल और दही को मैं हिलाऊंगी। दही मैंने ठंडा लिया है, दही को मैंने ज़्यादा खट्टा नहीं लिया है। और अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो खट्टा लें, पर आप मीठा गरबा बना रहे हैं इसलिए आप दही ज़्यादा खट्टा ना लें। अगर आपका दही खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चावल को हिला दिया है और अब मैं इसके अंदर शक्कर डालूंगी। चावल में मैंने दही डाल के और शक्कर डाल दिया है और अब मैं इसको हिला दूंगी। आप चाहें तो पीसी चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी चीनी ली है जिसको मैंने पीसा नहीं है। इस तरह से पूरा ये हिल चुका है और अब मैं ये इलायची के दाने भी इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो एकदम पीस के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो दाने भी डाल सकते हैं। और फिर से इसको हिलाऊंगी और इस तरीके से आपको ये मीठा गरबा बनाना है। और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो राजस्थानी गरबा हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने खाने से पहले इसको 2 घंटे फ्रिज में रख दिया था। आप ऐसा ज़रूर करें और इसे ठंडा ठंडा खाएं। और मैंने यहाँ पर ये टूटी फ्रूटी ली है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। तो राजस्थानी गरबा इसी प्रकार मीठा बनाया जाता है, आप भी ज़रूर बनाएं। और अगर ये आपको बच्चों को देना है तो आप इसमें ये ज़रूर डालें। ये गरबा हमारा बिल्कुल तैयार है। बनाइए, खाइए और खिलाइए।